अहम खबर से आपको आगाह करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में अदालत का एहसन इकबाल को बरी करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत आज भी कई मनसूबे सूबों में लगा रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि क्या अब नैब उन्हें भी पकड़ लेगा, और कहा गया कि इंडिया के बॉर्डर से थोड़ा ही दूर मनसूबा बनाया गया, क्या आपको भेजेंगे कि देखें बॉर्डर से कितना दूर है। अगर बॉर्डर के करीब ही था तो इसमें करप्शन क्या थी। अदालत की जानिब से ये सवाल किया गया है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस खारिज कर दिया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल के लिए बड़ा रिलीफ है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में अदालत का एहसन इकबाल को बरी करने का हुक्म, और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वफाकी हुकूमत आज भी कई मनसूबे सूबों में लगा रही है, कि अब नैब उन्हें भी पकड़ लेगा। और इसके बाद एहसन इकबाल की जानिब से मीडिया से भी गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी अपने झूठे मुकदमात का अंजाम देख लें, कौम को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए, एक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि अदालत ने बार बार पूछा नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का मंसूबा बंद करने का नुकसान कौन पूरा करेगा।